हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल ऑल गाइडेंस में। आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं बताऊंगा कि हैंड ब्लेंडर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे ठीक करते हैं। तो ये देखिए, ये चल रहा है हैंड ब्लेंडर, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब जो ये शाफ्ट है ये वाइब्रेट करती है और इससे जब भी कुछ मसाला वगैरह काटते हैं तो ये रुक जाती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो देखिए, तो यहाँ पर इस जोड़ से इसको हम ओपन करके देखेंगे। ठीक है, तो ओपन करने के बाद पता लगेगा एक्चुअली है क्या। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि आप अपने हैंड ब्लेंडर को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको दिखा दूं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अब ये रोटेट तो कर रहा है लेकिन आवाज़ भी ज़्यादा कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इन दोनों पार्ट्स को अपने दोनों हाथों में होल्ड करो और एक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पर ये जो आपका कपलर है, जो मेन शाफ्ट, इस शाफ्ट को आपकी मोटर यूनिट, जो नीचे वाली मोटर यूनिट है उससे जोड़ता है। क्योंकि ये कपलिंग अगर सही नहीं होगी तो आपकी जो शाफ्ट है वो वाइब्रेट करेगी और आपकी शाफ्ट जाम भी हो सकती है। तो उस शाफ्ट को प्रॉपर तरीके से काम करवाने के लिए हम इस कपलर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले इस मोटर यूनिट को ओपन करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखते रहे वीडियो को, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें कुछ नया सीखने के लिए। अब ये देखिए, आपका कपलर घूम रहा है, मोटर यूनिट प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन ये शाफ्ट के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए ये वर्क नहीं कर पाती। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो अभी वाइब्रेट कर रही है, आवाज़ भी ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा ओपन करके जो ये कपलर आपका, इसको रिप्लेस करेंगे नए से। इस मोटर यूनिट से अलग कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले अपने वायर हटा लें जहाँ से सप्लाई आ रही है और अब हम इसके लॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम जो ये दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है लॉक, मेन पार्ट है जो ये रिंग है, इस रिंग को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकालने के बाद इसमें जो लॉकिंग सिस्टम है, मोटर यूनिट्स का लॉकिंग सिस्टम है, जो ये प्लास्टिक का आउटर कवर है, इसको अनलॉक कैसे करें। अंदर आराम से जो स्क्रू ड्राइवर है उसके हेल्प से इसको थोड़ा अलग कर लें। अब इसमें प्लायर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस जो कपलर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग कर लो। अलग करने के बाद प्लायर अब इसमें आसानी से जा सकता है। हाथ से भी ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं निकल रहा है तो आप प्लायर, नोज पिन प्लायर ले लो, जो पतली चोंच वाला होता आगे से, उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। देखो ये निकल गया है। अब निकालने के बाद इसको वैसे ही कर दो जैसे पहले था। ठीक है, क्योंकि इसके लॉक अगर अनलॉक हो गए तो मोटर वाइब्रेट करेगी। अब हम इस कपलर का काम बताते हैं, ये कपलर क्या करता है। ठीक है, ये कपलर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो ब्लेड शाफ्ट है और जो मोटर यूनिट है जिसमें मोटर है, उन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, अगर ये कपलर ख़राब हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो आपकी शाफ्ट है वो जाम भी हो सकती है और वो घूमना बंद कर सकती है। तो इसलिए अब इस कपलर को हम नए से रिप्लेस करेंगे। ये देखिए, नया कपलर लेके आया मार्केट से। ठीक है, ये कपलर में देखो, इस कपलर में दोनों साइड इसमें ख़राब होने के बाद ये कैसा हो गया और ये नया कैसा है, पीछे से ये कैसा है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, मोटर यूनिट की शाफ्ट है जो, उसमें इस कपलर को लगा देंगे पीछे की तरफ से और आगे हमारा जो मेन शाफ्ट है, ब्लेडी वाली शाफ्ट है, उसको इसमें फिक्स कर देंगे। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर वर्क कर सके। चलो चलते हैं, अब हम करते हैं इसको दोबारा से रिप्लेस। अब ये देखिए, अगर हाथ से नहीं जाता तो आप क्या कर सकते हो, प्लास्क की सहायता ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा इसको अंदर की तरफ फोर्सफुली भी प्रेस कर सकते हो ताकि ये अंदर प्रॉपर जा सके। अभी अंदर जा चुका है। ठीक है, जो कपलर है, जो मोटर यूनिट को और जो शाफ्ट को, कटिंग शाफ्ट को जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो घर के पार्ट्स को ठीक करने के लिए बनाई गई है और ऐसी ही वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। ये देखिए, अब आपका ये जो कपलर है ये रोटेट कर रहा है मोटर यूनिट के साथ।
अब हम क्या करते हैं, इसमें कटिंग शाफ्ट को लगाते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम ये जो रिंग है इस रिंग को कनेक्ट कर देते हैं इसमें पहले की तरह, ताकि जो आपका मोटर यूनिट का कवर है वो अच्छे से मोटर को होल्ड कर सके। ठीक है दोस्तों, अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। फिक्स होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें वही जो आपकी कटिंग शाफ्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। ठीक है, ये घूम गया, अब हम इसको चला के दिखाते हैं। देखो ये फिक्स हो गया, अगर ओपन करना ऐसे कर सकते हो, अगर वैसे ही क्लोज करना तो ऐसे कर सकते हो। अब ओपन करके क्लोज भी कर चुके हैं, अब सप्लाई देखते हैं, ये प्रेस करते हैं बटन को इसके, ये देखिए अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा और प्रॉपर वर्क कर रहा है। इट मीन्स जो आपकी कटिंग शाफ्ट है वो आपकी मोटर यूनिट से प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है, और प्रॉपर कनेक्ट होने की वजह से ये अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपना ब्लेंडर जो मेन प्रॉब्लम होती है यही होती है, उसको ठीक कर सकते हो और कटिंग शाफ्ट को जाम होने से बचा सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।